कंगना रनौत को लेकर पूरे देश में बहस चढ़ी हुई है। उनका बयान इस तरह से विवादित हो रहा है कि मानो एक देश की जो एक महिला है उसने देश का अपमान कर दिया है, क्योंकि उनका जो बयान है वो देशभक्ति को लेकर है, देश की स्वतंत्रता को लेकर है। इसी चर्चा के मैं साथ हमारे साथ बात करने के लिए हैं आगरा की सावित्री देवी। सावित्री जी, हम बात करना चाहेंगे जो कंगना रनौत ने ये कहा है 1947 में आज देश आजाद नहीं हुआ था, 2014 में देश आजाद हुआ है, तो क्या कहना है आपका? देखो, मैं आपको बता दूं कि जो कंगना रनौत के अब तक बयान रहे जो सब बेहुदा बयान रहे, चाहे आजादी का ले लो या किसानों के ऊपर ले लो, किसानों के ऊपर भी बोल दिया उन्होंने कि 100-100 रुपए में आई है ये ताई है, तो वो हराम की खाने वाली महिला है। अगर वो अपनी मेहनत की खाती, जैसे हम लोग किसान भाई अपने खून पसीने की कमाई से अपनी फसल को सींचते हैं और जब इन लोगों का हम पेट भरते हैं, आज वो हमारे ही नाज को खाके बौखला गई जो कंगना रनौत है। अगर उसे इतनी जानकारी होती तो इस तरीके का बयान देती वो? बताओ, ये जो बयान आया वो पद्मश्री अवार्ड देने के बाद आया है, मोदी जी ने जब पद्मश्री अवार्ड उसे दे दिया तब आया, तो ये क्या मानते हैं आप? अब एक चीज बताओ, मोदी जी पद्मश्री अवार्ड या तो कंगना रनौत देंगे या फिर स्मृति ईरानी है जो चुनाव हारने के बाद अमेठी से राज्यसभा सांसद बना दी गई है। यहाँ रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, जमीन तक जुड़ के काम कर रहे हैं, मोदी जी दिखाई ना दे रहे, हम बारे इन अम्मा वारे ने क्यों ना दे रहे, देश के प्रधानमंत्री जो अवार्ड दे रहे हैं, तो जो कंगना रनौत है ना, वो तो ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी की आपके, देखो मुझे अभद्र भाषा की टिप्पणी करनी नहीं चाहिए लेकिन मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि न वो किसान को देख रही, न वो आजादी को देख रही कि 1947 में देश की आजादी नहीं मिली है, 2014 में नहीं है, तो इसका मतलब मोदी उनका बाप है या पति है, क्या कहूँ मैं? मोदी ने दिया है देश को आजादी, मोदी जी ने दी है क्या? तो क्या ये अगर कहें तो ये देशद्रोह नहीं है क्या? मुकदमा निकलना चाहिए ऐसी ऐसी महिला पे, तो मुकदमा नहीं अब तक जेल के अंदर होनी चाहिए, ये संविधान का भी उल्लंघन कर रही है। इनको ये ही नहीं पता कि मैं बक का रही हूँ, अरे नशा करती हूँ तो कम से कम अपने घर के अंदर रहो, उन्हें ये ही नहीं पता कि मैं बौख क्या रही हूँ। इतना नशा नहीं होना चाहिए किसी सरकार का हो या किसी देश के प्रधानमंत्री महोदय का हो। तो क्या इस ऐसी महिला से जो पद्मश्री अवार्ड दिया है वो वापस होना चाहिए? बिल्कुल वापस होना चाहिए और कार्रवाई करके जेल के अंदर डालना चाहिए। तो ये है आगरा की सावित्री देवी, जो समाज सेवी भी हैं, लंबे समय से विकास की लड़ रही हैं। इनका साफ ये कहना है कि ऐसी महिला कंगना रनौत को जेल हो जानी चाहिए, इसे पद्मश्री अवार्ड छीनना चाहिए। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पद्मश्री अवार्ड इस महिला को दे दिया है वो कहीं हद तक गलत है और इसे इस पद्मश्री अवार्ड को वापस लेना चाहिए, तभी कहीं जाकर हम ये कह सकते हैं कि देशभक्तों के लिए और स्वतंत्रता के लिए लड़े लोगों के लिए सम्मान होगा। 7A न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।